नमस्ते गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइल स्टोर बॉट के बारे में। इस बॉट की मदद से आप किसी भी टेलीग्राम फाइल, वीडियो, डॉक्यूमेंट को एक लिंक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर वो लिंक जिन लोगों के पास होगा सिर्फ वही उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ये बॉट उन लोगों के बहुत काम का है जो टेलीग्राम पर चैनल्स ओन करते हैं, ऐसे चैनल्स जो कि कॉपीराइटेड कंटेंट अपलोड करते हैं टेलीग्राम के ऊपर। और ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं टेलीग्राम पर जो कॉपीराइटेड कंटेंट अपलोड करते हैं, लेकिन उन चैनल्स की प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो अपने चैनल्स पे ऐसे कॉपीराइटेड कंटेंट को अपलोड करते हैं तो उनके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक्स आती हैं, जिसकी वजह से उनका जो चैनल होता है वो बैन हो जाता है। तो वही जो चैनल ओनर्स है, अगर वो इस बॉट का इस्तेमाल करते हैं तो उनके जो चैनल पर जो कॉपीराइट स्ट्राइक आती है वो इससे बच सकते हैं, क्योंकि वो लिंक्स यूज़ करते हैं और जो लिंक्स जो है प्राइवेट लिंक्स होते हैं जो सिर्फ उन्हीं यूज़र्स के पास जाएंगे जिनके पास वो लिंक है। वैसे तो जितनी भी फाइल स्टोर बॉट वाली रिपोज हैं वो सारी हीरोको ने ऑलरेडी बैन कर दी हैं, तो इस वजह से जो यूज़र्स हैं वो उस बॉट को डिप्लॉय नहीं कर पा रहे। लेकिन हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बैन होने के बाद भी आप उस रिपो को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं टेलीग्राम बॉट पर हीरोकू वेबसाइट को ही यूज करके। तो चलिए फिर गाइस, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये लिंक ओपन करना है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये लिंक ओपन करना है, क्रोम ब्राउजर के अंदर ओपन करें और उसके बाद आपको 10 सेकेंड वेट करना होगा। 10 सेकेंड्स पूरे होने के बाद आपको नीचे आना है और आपको ये बटन जो दिख रहा है यहाँ पे पिंक बटन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है गेट लिंक पर और हमारी जो रिपो है वो ओपन हो जाएगी। ये ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, इस डेस्कटॉप को डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है इस वेब पेज को और आपको ये रिपो को फोक करना है अपने गिटहब अकाउंट पे। अगर आपको नहीं पता कि गिटहब पे कैसे अकाउंट करते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देख सकते हैं और आपको ये फोक पे क्लिक करना है। हमारी जो ये रिपो है अब वो फोक हो चुकी है क्योंकि अब इसमें मेरा नाम लिखा आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अब आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और आपको इस पे क्लिक करना है डिप्लॉय ऑन हीरोकू पे। और इसके लिए आपके पास पहले से हीरोकू पे अकाउंट होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि हीरोकू पे कैसे अकाउंट बना सकते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको अपने बॉट को नेम देना होगा और याद रखें सारे स्मॉल लेटर्स ही आप यूज़ करें, कोई भी कैपिटल लेटर आप यूज़ ना करें। इसके बाद आप रीजन चूज करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूरोप, जो भी आप चाहते हैं। इसके बाद आपको अपने टेलीग्राम की API ID और API हैश एंटर करना होगा। अगर आपको नहीं पता कि टेलीग्राम की API ID और API हैश आपको कैसे मिलेगी तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने अपने टेलीग्राम की API ID और API हैश यहाँ पर फिल कर दिया। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है बॉट ओनर ID। आपको यहाँ पर अपने बॉट ओनर ID, आपको यहाँ पे अपने टेलीग्राम की यूज़र आईडी एंटर करनी होगी। अगर आपको नहीं पता कि आप अपने टेलीग्राम की यूज़र आईडी कैसे पता कर सकते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी ओनर आईडी एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको अपना बॉट टोकन एंटर करना होगा जो कि आपको बॉट फादर से मिलता है। अगर आपको नहीं पता कि टेलीग्राम पर बॉट कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देख सकते हैं। और ये हमने अपना बॉट टोकन भी एंटर कर दिया। इसके बाद आपको आपको यहाँ पे अपने बॉट का यूज़र नेम एंटर करना होगा विदाउट @ के। तो हम अपने बॉट फादर के पास जाएंगे, हमारा बॉट फादर है और ये मेरा बॉट का यूज़र नेम था। आपको ये जो यूज़र नेम है आपको विदाउट @ एंटर करना है। तो हम इसे कॉपी करेंगे और फिर उसके बाद इसे यहाँ पे एंटर कर देंगे बॉट यूज़र नेम के अंदर। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डाटाबेस URL एंटर करना होगा जो कि आपको MongoDB डाटाबेस से मिलता है। अगर आपको नहीं पता कि MongoDB डाटाबेस URL आपको कैसे मिलेगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देख सकते हैं अपनी मदद के लिए। तो हम यहाँ पे अपना MongoDB डाटाबेस एंटर URL एंटर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपने आपको अपने टेलीग्राम डाटाबेस चैनल की ID यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना टेलीग्राम ऐप ओपन करना होगा और टेलीग्राम ऐप ओपन करने के बाद आपको एक चैनल क्रिएट करना होगा डाटाबेस के नाम से, और चैनल को आप प्राइवेट ही रखें तो आपके लिए बेटर होगा, तभी उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक्स नहीं आएंगी। चैनल क्रिएट करने के बाद आपको ये जो मैसेज है वो रोजबॉट को सेंड कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ, और फिर आपको ये कमांड सेट करनी है ID/ID, और जो आपको नीचे ये दिख रही है यही आपकी चैनल आईडी है और इस चैनल आईडी को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है।
और इसके बाद आता है हमारी अगली अगला वार जो है हमारी लॉग चैनल। आप चाहें तो डाटाबेस चैनल और लॉग चैनल दोनों को सेम ही यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सेम ही यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो अलग भी यूज़ कर सकते हैं। लॉग चैनल क्या होता है? लॉग चैनल से आप उन यूज़र्स की रिकॉर्ड रख सकते हैं जो जो यूज़र्स आपके बॉट को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आता है लास्ट जो कि अपडेट्स चैनल। अपडेट्स चैनल यहाँ पे आपको एंटर करना होगा उस चैनल की टेलीग्राम आईडी जो कि आप ऐड करना चाहते हैं फोर सब्सक्राइब के लिए। तो हम यहाँ पे अपने चैनल की फोर सब्सक्राइब आईडी यहाँ पे एंटर कर देते हैं। उस चैनल को ज्वाइन करे बिना आपका कोई भी यूज़र आपके बॉट को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे अपने चैनल आईडी एंटर कर देते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आप अपनी चैनल आईडी कैसे पता कर सकते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद आपको डिप्लॉय ऐप पे क्लिक करना है, और डिप्लॉय ऐप पे क्लिक करने के बाद आपका जो बॉट है वो डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ देर वेट करना होगा आपके बॉट के डिप्लॉय होने का। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा जो बॉट है वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। इसके बाद आप मैनेज ऐप पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड पेज ओपन करना है ये चेक करने के लिए कि आपका डायनो एक्टिव है या नहीं। हमारा डायनो पहले से एक्टिव है या नहीं, हमारा बॉट जो है वो वर्क कर रहा है। इसके बाद आपको मोर पे क्लिक करके अपने व्यू लॉग्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो बॉट है वो वर्क कर रहा है। स्टेट्स चेंज फ्रॉम स्टार्टिंग टू अप, तो हमारा जो बॉट है वो वर्क कर रहा है। तो हम अपने बॉट के पास वापस जाएंगे। तो ये हमारा बॉट था। हम अपने बॉट को मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा और आप इसे स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक चीज़ इस वीडियो में बताना भूल गया कि आपको ये जो अपना बॉट है इसको एडमिन बनाना होगा अपने उस चैनल के अंदर जो आपने क्रिएट किया था। तो ये हमारा डाटाबेस है, देखिए अभी मैंने इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर में इस बॉट को ऐड नहीं कराया। जब तक आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर में ऐड नहीं करेंगे ना अपने लॉग चैनल और डाटाबेस चैनल के अंदर, तब तक ही आपका बॉट वर्क नहीं करेगा। अब जब मैं जैसे ही अपने डाटाबेस चैनल के अंदर इस बॉट को एडमिन बना चुका हूँ, तो अब मैं जब इस बॉट को स्टार्ट करूँगा तो हमारा बॉट वर्क करने लगेगा। तो देखिए हमारा बॉट वर्क कर रहा है, तो हमारा जो बॉट है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताना भूल गया कि आपको जो है अपना बॉट को अपडेट्स चैनल के अंदर भी एडमिन बनाना होगा, तभी ये वर्क करेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है वो अपडेट चैनल ज्वाइन नहीं करा हुआ है, इसलिए मैं इस बॉट को अभी यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही मैं अपना ये अपडेट्स चैनल ज्वाइन करूँगा और वापस आऊँगा और रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा, तो ये जो बॉट है वो वर्क करना स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इस बॉट के यूजेस दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, इस बॉट को कोई भी फाइल सेंड करनी है। तो हमारे पास ये एक फाइल है, मैं इस बॉट को सेंड करूँगा, और जैसे मैं इस बॉट को सेंड करूँगा तो ये हमें एक लिंक रिप्लाई करेगा आपको यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए, हमें बैच के अंदर से इसे सेव करना है या फिर शेयरेबल लिंक चाहिए। तो बैच के अंदर क्या है कि आप बैच में क्या होगा कि आप इकट्ठे ही कई सारे वीडियोज़ या वीडियो या डॉक्यूमेंट्स को एक साथ इकट्ठा करके एक ही लिंक के साथ शेयर कर सकते हैं, तो आप बैच कमांड का यूज़ करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप सिंगल फाइल को शेयर करें, तो आपको ये सेकंड ऑप्शन चूज करना होगा, गेट शेयरेबल लिंक। और देखिए जैसा कि आप यहाँ पे हमें मिल चुका है लिंक, और आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमें जो ये फाइल है वो इस बॉट के अंदर मिल जाएगी। अब मैं आपको ये लिंक कॉपी करके अपने दूसरे अकाउंट से ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो मैंने ये लिंक यहाँ पे पेस्ट किया, और अब मैं जब इस पे क्लिक करूँगा तो हमारा ये बॉट ओपन होगा, और जब मैं इसे स्टार्ट करूँगा ना, तो मैंने जो फाइल वहाँ पे स्टोर करी थी ये मेरे को वो फाइल सेंड करेगा। देखिए हमारी फाइल आ चुकी है। तो इस तरह से ये बॉट वर्क करेगा, और इसकी मदद से आप अपने चैनल पे कॉपीराइट्स भी बचा सकते हैं, क्योंकि जो टेलीग्राम बॉट्स है वो बहुत कम बैन होते हैं।